एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी, मैं क्रैश कोर्स का सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर 2 लेके आपके सामने मौजूद हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को एपी के बारे में बताया था कि एपी क्या होता है, सम ऑफ एपी, एनएच टर्म ऑफ एपी, अरिथमेटिक मीन के बारे में बताया था। इसमें मैं जीपी सम स्पेशल सीक्वेंस के बारे में डील करूंगा। जीपी, तो सबसे पहले हम जीपी को देखते हैं। अगर आपके पास एक सीक्वेंस है A1, A2, A3, .. ये अगर जीपी फॉर्म करेगा, तो हमेशा ये एक कंडीशन को मानता है। वो कंडीशन क्या है? A2 by A1 is equal to A3 by A2 is equal to A4 by A3 is equal to .. AN by AN-1 आपका क्या हो जाएगा? R के बराबर। तो AN by AN-1 आपका R के बराबर होगा, मतलब सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइड बाई थर्ड टर्म, लास्ट टर्म डिवाइड बाई सेकेंड लास्ट टर्म का जो रेशियो आना चाहिए वो हमेशा कॉन्स्टेंट आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सीक्वेंस जीपी फॉर्म करेगा। जो कॉन्स्टेंट आएगा उसी कॉन्स्टेंट को हम कॉमन रेशियो कहते हैं। इसमें एनएच टर्म अगर निकालना हो तो एनएच टर्म का फॉर्मूला होता है A into R का पावर n-1, जहां पे an आपका लास्ट टर्म है, a आपका फर्स्ट टर्म है, r आपका कॉमन रेशियो है और स्मॉल n आपका क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इसमें sn निकालना हो तो sn का फॉर्मूला होगा A into R का पावर n-1 divide by R-1। लेकिन यह फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब r का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर r 1 के बराबर हो जाएगा तो यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सर अगर r 1 के बराबर हो तो क्या होगा? अगर r 1 के बराबर हो तो उस केस में sn होगा na। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या है? फर्स्ट टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इनटू फर्स्ट टर्म जो होगा वही आपका सम के बराबर होगा और ये तभी एप्लीकेबल है जब r का वैल्यू क्या होगा? 1। अगर आपको अपने मन से नंबर ऑफ टर्म्स का सिलेक्शन करना हो, तो अगर तीन टर्म का सिलेक्शन करना हो तो आप ऐसा करेंगे A, AR और A by R। अगर पांच टर्म का सिलेक्शन करना हो तो ये तीन टर्म लिखे A, AR, A by R। अब यहां पे R डिवाइड करे तो A by R square, यहां पे R मल्टीप्लाई करे तो AR square। अब आप देख सकते हैं यहां पे तीन टर्म और पांच टर्म का सिलेक्शन हुआ, मतलब और टर्म्स का सिलेक्शन हुआ। तो और टर्म के सिलेक्शन करते समय आपको कॉमन रेशियो हमेशा आर रखना है। लेकिन अगर इवन टर्म्स का सिलेक्शन करेंगे तो वहां पे कॉमन रेशियो रखेंगे आप R square। जैसे अगर दो टर्म का सिलेक्शन करना तो AR, A by R। अगर चार टर्म का सिलेक्शन करना है, यहां पर आप देख सकते हैं कॉमन रेशियो R square के बराबर है। तो यहां पे अगर आपका कॉमन रेशियो R square या 1/R square के बराबर है तो यहां पे बढ़ाएंगे तो इधर क्या आएगा? AR cube AR 1/A/R और ये A/R square। तो याद रखे, जब कभी भी आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सिलेक्शन करना हो तो कॉमन रेशियो ऑफ R square या 1/R square रखे। बात एक ही है, अगर आप यहां पे 1/R square हो रहा, अगर आप R square रखेंगे तो ये टर्म रिवर्स हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप तीन टर्म्स का सिलेक्शन करेंगे तो कॉमन रेशियो R रखेंगे या 1/R। लेकिन ये आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपका प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स गिवन रहेगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स गिवन नहीं रहेगा तो सिंपल जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस अप्लाई करेंगे, जैसे A, AR, AR square। तो ये था आपका टर्म का सिलेक्शन। टर्म का सिलेक्शन कैसे करते हैं? अगर आपके पास कोई एक इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी तक बढ़ रहा। तो इनफाइनाइट जीपी अगर आपके पास है तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है S∞ is equal to A divided by 1 minus R। लेकिन यहां पे R पे रेस्ट्रिक्शन है कि R का वैल्यू -1 और 1 के बीच होगा। क्यों? क्योंकि अगर R का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं हुआ तो वो कभी भी फाइनाइट सीरीज नहीं बनाएगा, वो हमेशा इनफाइनाइट सीरीज बनाएगा। अगर R का वैल्यू -1 और 1 के बीच नहीं हुआ तो वो कभी भी फाइनाइट सीरीज नहीं बनाएगा, वो हमेशा आपका क्या बनाएगा? इनफाइनाइट सीरीज। इनफिनिटी आपका क्या आ गया? A divided by 1 minus R, जहां पे R का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1 और 1 के बीच। तो ये था आपका S इनफिनिटी का कंसेप्ट। SN का फॉर्मूला आप देख लिए, NH टर्म का फॉर्मूला देख लिए। अब आते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन में अगेन दो चीज, एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन और एक एन ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपके पास दो टर्म है A और B, इस दो टर्म के बीच हमको सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना है
दो टर्म है ए और बी, इस दो टर्म के बीच अगर हमको सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा g इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी। याद रखे दो क्वांटिटी और ज्योमेट्रिक मीन, दो क्वांटिटी और ज्योमेट्रिक मीन ये हमेशा जीपी फॉर्म करेगा, ये हमेशा क्या फॉर्म करेगा जीपी। अगर आपके पास दो क्वांटिटी है और इसके बीच n ज्योमेट्रिक मीन है g1 g2 डॉट 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 gn, यहां से हमको निकालना हो तो सबसे पहले हम r का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम किसका वैल्यू निकालते हैं r का, और r का फॉर्मूला होता है b बाई ए होल पे पावर 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। हम इसके मदद से r का वैल्यू निकालेंगे। r क्या होता है, b बाई ए डिवाइड b बाई ए होल पे पावर 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, जहां पे b आपका लास्ट टर्म है और a आपका फर्स्ट टर्म है और n आपका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है। ये याद रखे n यहां पे क्या आपका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपका r निकल गया तो g1 निकल जाएगा, g1 क्या होगा ar, अगर r निकल गया तो g2 निकल जाएगा, g2 क्या होगा ar स्क्वायर। इस तरह से अगर हम बढ़ते चले तो gn क्या हो जाएगा ar का पावर n। अगर हमको इसका प्रोडक्ट निकालना हो G1, G2, G3, dot, 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 GN का प्रोडक्ट क्या होगा, तो G1, G2, G3, dot, 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 GN का प्रोडक्ट निकालना हो तो ये होता है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का पावर n। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आप देख सकते हैं रूट अंडर ए बी है, तो ये आपका रूट अंडर ए बी होल पे पावर n बनेगा। तो ये था आपका ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट। ज्योमेट्रिक मीन में दो टाइप का प्रॉब्लम, एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन और एक n ज्योमेट्रिक मीन। ध्यान स्पेशल सीक्वेंस, तो सम स्पेशल सीक्वेंस में आपको दो टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा। एक प्रॉब्लम में सीरीज दिया रहेगा, उस सीरीज से आपको सम निकालना होगा, और दूसरे टाइप के प्रॉब्लम मेथड ऑफ डिफरेंस जिसमें डायरेक्ट सीक्वेंस आपका एपी में नहीं होगा, उसको एपी उसका फर्स्ट डिफरेंस एपी में होगा या सेकंड डिफरेंस एपी में होगा। तो सम स्पेशल सीक्वेंस के प्रॉब्लम को बनाने का दो स्टेप है। हर प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले आपको टीआर निकालना होगा, टीआर निकालने के बाद एसएन निकलेगा। सम स्पेशल सीक्वेंस में एसएन का फॉर्मूला होता है सिग्मा TR, जहां पे R का वैल्यू 1 से N होगा। याद रखे जब कभी भी सम निकालना हो तो सबसे पहले आपको TR निकालना पड़ेगा। इसमें कुछ फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है, जैसे सिग्मा R, R का वैल्यू 1 से N वेरी कर रहा है, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 N, ये बराबर होता है N इंटू N प्लस 1 बाई 2 के। फिर आपके पास अगर सिग्मा आर स्क्वायर है जहां पे आर का वैल्यू 1 से एन है, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर है, तो ये बराबर होगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 बाई 6 के बराबर होगा। और एक होता है सिग्मा आर क्यूब, जहां पे आर का वैल्यू 1 से एन, ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अगर n क्यूब तक जा रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर के बराबर। ये चार तीन फॉर्मूला है, ये तीन फॉर्मूला आप याद रखें सम स्पेशल सीक्वेंस के हर प्रॉब्लम में यही जरूरत पड़ेगा। एक और आप देख सकते हैं, अगर सिग्मा किसी कांस्टेंट के साथ है, जहां पे यहां पे भी r का वैल्यू 1 से n है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ये आपका बराबर हो जाएगा kn के। प्रॉब्लम में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं रहता, नंबर ऑफ टर्म्स 15 रहेगा या नंबर ऑफ टर्म्स 10 रहेगा या नंबर ऑफ टर्म्स 20 रहेगा, तो उस केस में आप n के यहां पे 15 10 और 20 रख देंगे जो आपका रिक्वायरमेंट है। इसमें एक टाइप का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो टाइप का प्रॉब्लम थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे अगर आपके पास एक सीरीज है 1 फिर 1 प्लस 2 फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें कह देगा कि 15 टर्म, इसमें 15 टर्म का सम क्या होगा। इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईआईटी में। इस टाइप के प्रॉब्लम को आप जरूर अच्छे से देखें। इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने का भी वही तरीका है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे टीआर। आप यहां पे देखें ये ग्रुपिंग प्रॉब्लम है, फर्स्ट ग्रुप में एक नंबर, सेकेंड ग्रुप में दो नंबर, थर्ड ग्रुप में तीन नंबर, फोर्थ ग्रुप में चार नंबर। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो रहा बढ़ता जा रहा है। तो उसी तरह से अगर हम इसको सही तरीके से एनालिसिस करें तो आर आपका क्या आएगा टीआर, मतलब आरएच टर्म क्या बनेगा, आरएच ग्रुप बनेगा, और आरएच ग्रुप में कितना टर्म होगा, एन आर टर्म होगा। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 आर हुआ। आप गौर करें, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, यहां पे सम ऑफ द नेचुरल नंबर ऑफ टू आर है,
तो सम ऑफ द नेचुरल नंबर अप टू आर ये किसके बराबर होगा, आर इंटू आर प्लस वन बाई टू के बराबर होगा। हमको क्या निकालना है, एस एन, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिग्मा टी आर, ये क्या बनेगा सिग्मा टी आर, टी आर यहाँ पे वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर प्लस आर हुआ, फिर ये वन बाई टू सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर, आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला में आ गया। सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, वन बाई टू बाहर रहने दिए, सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स प्लस सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या आएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। यहाँ पे सम ऑफ द 15 टर्म्स निकालना है तो एन के आगे क्या रखेंगे, 15। इस टाइप का प्रॉब्लम सम स्पेशल सीक्वेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से जीपी के बारे में डिस्कस किया, सम स्पेशल सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया, एपी और जीपी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, एपी और जीपी से रिलेटेड कंबाइन कंसेप्ट का जो प्रॉब्लम है वो आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर अच्छे से देखें। और आपके कंसर्निंग टीचर जो भी नोट सिखाए हैं, जितना भी पढ़ा है, सारे टॉपिक को आप जरूर देखें। यहाँ पे हम उतना ही टॉपिक के बारे में डिस्कस किए हैं जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस टॉपिक से पिछले 5 साल में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो बहुत फास्ट हम डिस्कस किए, इसको आप जरूर अच्छे से कॉपी से देख ले। यहां पे बहुत फास्ट हम डिस्कस किए हैं, क्यों, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम सारे चीजों को डिटेल में जाके डिस्कस कर पाए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिखाने जा रहे हैं जो कि आईआईटी में पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं वो प्रॉब्लम को। मेरे पास यहां पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1, जो कि 2019 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें आप देख सकते हैं प्रॉब्लम है कि ए बी और सी जीपी में है विथ कॉमन रेशियो आर, जहां पे ए 0 के बराबर नहीं है, फिर आर पे रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि आर 0 और 1 बाई 2 के बीच में है, फिर क्या कह रहा है 3a 7b और 15c जो है वो फर्स्ट 3 टर्म्स है एपी का, तो फोर्थ टर्म इस एपी का क्या होगा ये फाइंड करना है, फोर्थ टर्म इस एपी का क्या होगा। अब जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यूज करें, एबीसी अगर जीपी में है तो ए हो गया फर्स्ट, बी आप बताएं क्या होगा, बी ए आर होगा, क्यों, क्योंकि बी क्या आपका सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होता है ए आर, ए टू, ए टू इज वॉट ए आर, तो यहां पे बी आपका किसके बराबर हो गया ए आर के बराबर, फिर आपका सी, सी किसके बराबर हो जाएगा, मतलब ए तो है आपका ए, बी आपका किसके बराबर हो गया ए आर, और सी आपका किसके बराबर हो गया ए आर स्क्वायर। फिर यहां पे क्या कह रहा है कि 3a 7b और 15c एपी में है, तो अगर तीन टर्म एपी में होगा तो मिडिल टर्म का ट्वाइस क्या होता है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, या फिर हम कह सकते हैं 7b माइनस 3a इज इक्वल टू 15c माइनस 7b, 7b को इधर ले आए तो ये 14b इज इक्वल टू 3a प्लस 15c हुआ। अब यहां पे b किसके बराबर है ar के बराबर, तो ये 14 ar हो गया, ये 3a 15c, c के जगह पे हम क्या रखेंगे ar का स्क्वायर, इन सब से a कैंसिल, तो ये आपके पास 15r स्क्वायर बचा, 14 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 14r प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पे आप देख सकते हैं r के रूप में आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ गया, r के रूप में अगर एक क्वाड्रेटिक आया तो यहां से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 15r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 5r प्लस 3 आएगा, इन दोनों से अगर हम 3r कॉमन ले ले तो ये 5r माइनस 3 माइनस कॉमन ले तो ये 5r माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या आ गया 5r माइनस 3 इंटू 3r माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से अगर हम r का वैल्यू निकालें तो r का वैल्यू आपके पास क्या आएगा 3/5 आएगा, और r का वैल्यू क्या आएगा 1/3, लेकिन r का वैल्यू हमको 0 और 1/2 के बीच रखना है, तो जब r का वैल्यू 0 और 1/2 के बीच रखना है तो आप देख सकते हैं r का वैल्यू 1/3 आ रहा, मतलब r आपके पास आ गया 1/3, तो r का वैल्यू आ गया, r का वैल्यू कैसा है ये चीज क्लियर। अब r मेरे पास आ चुका है, r का वैल्यू क्या है 1/3, ये 3/5 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये 3/5 जो है वो 0 और 1/2 के बीच में नहीं है। अब हमको निकालना है फोर्थ टर्म, तो आप बताएं ए फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 3d, यहां पे ए का काम कौन कर रहा है 3a, तो ये आपका 3a हुआ प्लस
थ्री डी, डी आपका क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये सेवन बी माइनस थ्री ए होगा। फिर आप देख सकते हैं ये 3a प्लस 3 7b, b आपका किसके बराबर है ar के बराबर, तो ये क्या आ जाएगा 7ar माइनस 3a। अब r, r आपके पास है 1 बाई 3, तो ये 3a प्लस 3 7 बाई 3a माइनस 3a। इस 3 को अगर हम अंदर ले जाएं तो 3a प्लस ये आपका 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7a बना माइनस 9a बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं 3a प्लस 7a क्या होगा 10a, 10a माइनस 9a आपका किसके बराबर हो जाएगा a के बराबर, तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है वो a के बराबर है, तो यह हो गया आपका आंसर a। तो ये जो प्रॉब्लम था ये कंबाइंड प्रॉब्लम था, इसमें AP और GP दोनों का कंसेप्ट था, AP और GP दोनों से रिलेटेड कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता, उसको आप जरूर अच्छे से देखें। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर वन था जो कि 2019 10 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। मेरे पास प्रॉब्लम नंबर टू है जो कि 2019 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। आप यहां पे देख सकते हो क्वेश्चन क्या रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 512। थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो यहां पे थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या आएगा, ए आर, ए बाई आर, ए आर। अब इन तीनों का प्रोडक्ट ए बाई आर इंटू ए इंटू ए आर 512 है, यहां से r कैंसिल, तो a क्यूब आपका क्या आ गया 512, a का वैल्यू निकल गया 8, a हम तुरंत निकाल लिए। फिर क्या कह रहा है, 4 इज एडेड, अगर हम 4 को ऐड करें इन ईच ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म ऑफ दीज टर्म्स देन द थ्री टर्म्स फॉर्म एन AP। मतलब कि अगर फर्स्ट और सेकेंड टर्म में हम 4 को ऐड कर दे तो तीनों टर्म्स आपका क्या बनाएगा, AP बनाएगा। तो यहां पे 4 हम ऐड करते हैं इसमें, तो a by r plus 4, फिर a प्लस 4 और फिर ए आर, ये आपका AP बनाएगा। तो अगर तीन टर्म्स AP बना रहा है तो मिडिल टर्म का डबल सम ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म होता है, तो इसका डबल मतलब 2a प्लस 8 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो a बाई आर प्लस 4 प्लस ए आर होगा। यहां पे आप देख सकते हैं a का वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू 8 है, तो यहां पे अगर हम 8 रखें तो ये क्या बनेगा 16, 16 प्लस 8 आपका 24 बन जाएगा। इधर क्या आएगा 8 बाई आर प्लस 4 प्लस 8 आर आएगा, इसको इधर ले आते हैं तो ये आपका 20 बना। यहां पे अगर हम एलसीएम लिए तो 8 आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर, आर को इधर शिफ्ट किए तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद बनेगा आर स्क्वायर माइनस 20 आर प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहां से आप खुद देखें, यहां से हम चाहेंगे तो 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेके अगर इसको हम हटा दे तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ गया 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। हम यहां से फैक्टराइजेशन करके हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं, a का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, a का वैल्यू मेरे पास क्या है 8, इसका हम फैक्टराइजेशन अगर करें तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों से हम 2r कॉमन दे लेते हैं तो ये r माइनस 2 माइनस r माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 1 इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू 2 और क्या आ गया 1। अब r का वैल्यू आपके पास आ चुका है, a का वैल्यू आ चुका है, यहां पे r का वैल्यू 2 और 1 बाई 2 आया। अब हम यहां पे जो ओरिजिनल सीक्वेंस था उसको देखते हैं, तो मेरे पास ओरिजिनल सीक्वेंस क्या था, a बाई आर, a ए आर, हमको इसी ओरिजिनल सीक्वेंस का सम निकालना है, तो हम a के जगह पे 8 रखते हैं और r के जगह पे 2 रखते हैं, तो ये क्या बनेगा 4, ये क्या बनेगा 8 और ये क्या बनेगा 16। अगर आप a के जगह पे 8 और r के यहां पे 1 बाई 2 रखे तो यही टर्म मिलेगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा, तो सम तो दोनों ही केस में सेम होगा। अब अगर हम यहां पे जोड़े तो आप खुद देखें इन तीनों का सम आपका किसके बराबर होगा, 28 के बराबर, जो कि ऑप्शन बी है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया। ये क्वेश्चन भी आप देखें, इसमें भी एपी और जीपी दोनों का कंसेप्ट था, तो इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरूर आप इसको अच्छे से देखें। ये क्वेश्चन आपका 2019 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है आपका A1 A2 डॉट डॉट A10 जीपी में है। इसका एक कंडीशन दिया हुआ A3 by A1 = 25,
तो आपको निकालना है A9 by A5। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। यहां पे गौर करें, आपके पास कंडीशन दिया हुआ है A3 by A1 21। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, AR square, और A1 तो आपका A होता है 25। अब यहां से AA कैंसिल, तो R square आपके पास 25 आया, तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5। तो ये हो गया R का वैल्यू। अब जो यहां गिवन है उसको लेके बढ़े, A9 by A4 चाहिए, A9 by A5 का वैल्यू निकालना है। A9 आपका क्या बनेगा, AR का पावर 8, और A5 क्या बनेगा, AR का पावर 4। यहां से A और A कैंसिल, तो यहां पे R का पावर क्या आ गया, 4। अब यहां पे पावर 4 है, इवन है, तो यहां पे R के जगह पे प्लस रखे या माइनस रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवन नंबर है वो प्लस ही बना देगा माइनस को भी। तो यहां पे अगर हम प्लस माइनस 5 रखें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 5 का पावर 4। अब देख सकते हैं 5 का पावर 4 आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि जीपी से पूछा गया था, कंप्लीट कंसेप्ट इसका जीपी का है, जो कि 2019 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, जो कि सम स्पेशल सीक्वेंस पे पूछा गया था, और इस टाइप का प्रॉब्लम जनरली पूछा जाता है। इस टाइप के प्रॉब्लम को आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसमें आप देखें कि जैसे जैसे टर्म बढ़ता जा रहा, फर्स्ट टर्म में देखिए एक टर्म है ऊपर भी और नीचे भी, सेकेंड में देखिए दो ऊपर भी और नीचे भी, थर्ड में देखिए तीन हो गया, इसी तरह से फोर्थ में क्या आएगा, चार। इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टर्म बढ़ेगा उसके अंदर जो नंबर से वो भी बढ़ता जाएगा। इस टाइप का प्रॉब्लम जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। यहां पे सम स्पेशल सीक्वेंस के प्रॉब्लम को बनाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम TR निकालते हैं। अगर आपका TR निकल गया तो सम आराम से निकाल सकते हैं। सम का फॉर्मूला होता है SN = σTR, जो कि अभी हम डिस्कस किए थे। यहां पर हम TR निकालें तो आप गौर करें यहां पे TR में क्या बनेगा, TR मतलब ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो TR आपका कुछ कैसा बनेगा जरा गौर करें। यहां पे फर्स्ट नंबर को अगर देखें 3 है, 5 है, फिर 7 है, तो 3 5 7, ये आपका AP फॉर्म कर रहा है, AP फॉर्म कर रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, आपका 2 है। तो यहां से आप RH टर्म निकालेंगे, तो जब आप RH टर्म निकालेंगे तो आपका TR आएगा 2R प्लस 1 आएगा। फिर आप गौर करें यहां पे फर्स्ट टर्म में 1³ था, सेकेंड टर्म में 1³ प्लस 2³ है, थर्ड टर्म में 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ है, तो RH टर्म में क्या होगा आपका, 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस .. प्लस R³ होगा। कैसे, यहां पे देख के आपको पहचानना है, फर्स्ट टर्म में एक टर्म एक नंबर का पावर क्यूब है, यहां पे कितना, दो नंबर का, 1³ 2³, यहां पे कितना, तीन नंबर का, तो चौथे में कितना आएगा, चार नंबर का, पांचवे में कितना आएगा, पांच नंबर का, तो RH में कितना आएगा, 8 नंबर का। सेम यहां पे डिनोमिनेटर में हो रहा है, फर्स्ट टर्म में एक नंबर का स्क्वायर, सेकेंड टर्म में दो नंबर का स्क्वायर, थर्ड टर्म में तीन नंबर का स्क्वायर, तो RH टर्म में क्या आ जाएगा, 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस .. R². अब इस पे फॉर्मूला हम लगाते हैं 2R प्लस 1, ये आपका क्या बनेगा, जानते हैं फॉर्मूला कि 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस .. N³ क्या बनता है, N × N+1/2 का पावर 2। तो यहां पे R तक जा रहा, तो ये R × R+1/2 का होल स्क्वायर बना। नीचे आपका क्या बन जाएगा, R × R+1 × 2R+1/6 बना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये 2R+1 2R+1 यहां से कैंसिल, यहां पे आप देख सकते हैं R स्क्वायर आएगा R, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा R+1, यहां पे 4 आएगा तो नीचे कैंसिल होके यहां पे क्या बचेगा, 3, तो ऊपर आपके पास क्या बचा, R × R+1, ये 2 बचेगा और ये 3 बचेगा आपके पास, सॉरी ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 3R/2 हो गया। ये कहां से आया, ये फॉर्मूला ब्रेक किए, इधर इसको फॉर्मूला ब्रेक किए, अब हम क्या देख रहे हैं, यहां से 2R+1 2R+1 कैंसिल, ये आप देख सकते हैं R² आएगा, तो 1R कैंसिल हुआ, 1R बचा, यहां पे R+1 का होल स्क्वायर आएगा, तो R+1 R+1 कैंसिल, तो R+1 यहां पे बचा, यहां पे 6 है, यहां पे 4 है, 1² और 1² कैंसिल कर दिए, यहां 3 बचा, 3 ऊपर आ गया, तो ये 3R+3R × R+1/2 आ गया। ये आपका क्या आया, TR आया।
अब हम इस tr के मदद से क्या निकालेंगे, sn, और हम वो सम कहां तक निकालना, 10th टर्म का, मतलब n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 10। तो अब हम sn के लिए चलते हैं। तो sn के लिए अगर हम चले तो sn का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, sn इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा tr, यहां पे सिग्मा 3/2 आपका कांस्टेंट, 3/2 बाहर, ये आपका आर स्क्वायर प्लस आर बन गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3/2 आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय 6 होगा, और सिग्मा आर का फॉर्मूला क्या होगा, n into n plus 1 by 2। हम यहां से n into n plus 1 कॉमन ले लेते हैं, तो अगर n into n plus 1 by 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3/4 n into n plus 1 कॉमन लिए, इधर से क्या बचेगा, 2n plus 1 by 3 plus 1। अब हम वो 10th टर्म पे निकालना है, तो अब हम n के जगह पे क्या रखेंगे, 10। तो अगर n के जगह पे 10 रखे तो ये 3/4 इंटू 10 आया, यहां पे 10 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 11। यहां पे अगर हम 10 रखे तो 20 प्लस 1 21 by 3 7 प्लस 1 आपका क्या बनेगा, 8। अब हम इसको सही तरीके से कैंसिल करें तो ये आपका क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 11 66 इंटू 10 आपका 660। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। ये प्रॉब्लम आपका किस पे था, सम स्पेशल सीक्वेंस पे था। सम स्पेशल सीक्वेंस के प्रॉब्लम को बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम tr निकालेंगे, tr के बाद फॉर्मूला बनता है sn इज इक्वल टू सिग्मा tr। सिग्मा tr से हम बढ़े, आप जानते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 बाई 6, और 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यूब है तो वो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर होता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आप क्लास 11th में बनाए हैं, 11th में आप जरूर प्रैक्टिस किए होंगे। इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके टीचर्स जरूर बताए होंगे, तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम को अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि 2019 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। यहां पे आप देख सकते हैं sk दिया हुआ 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 k divide by k। आप देखें यहां पे sum of the natural number up to k terms है। हम sum of the natural number up to n terms का फॉर्मूला जानते हैं, n into n plus 1 by 2 होता। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएं sk, तो ये बनेगा k into k plus 1 by 2 और ये आपका k, तो ये k और ये k कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया k plus 1 by 2। अब यहां पे s1 का स्क्वायर चाहिए, तो आप खुद देखें s1 का स्क्वायर यहां पे 1 रखेंगे तो 1 plus 1 क्या बनेगा, 2, तो ये 2 by 2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस s2 का स्क्वायर यहां पे 2 आप रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3, तो ये 3 by 2 का स्क्वायर बनेगा। उसी तरह से s3 में क्या बनेगा, 4 by 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पे आपके पास क्या बनेगा, 10 जब रखेंगे तो 11 by 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 5 by 12 a के बराबर। अब आप यहां पे गौर करें, सभी के पास नीचे 2 का स्क्वायर आ रहा है तो 1 by 4 हम कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 512a। आप यहां पे देख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 11 स्क्वायर है। अगर हम यहां पे 1 का स्क्वायर ऐड करें तो ये एक फॉर्मूला में आ जाएगा, सम ऑफ द नेचुरल नंबर, जिसमें हर एक टर्म का पावर क्या होना चाहिए, 2। फॉर्मूला क्या होता है, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 1 by 4 1 का स्क्वायर ऐड किए, ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आया, ये 5 by 12 a आ गया। ये देखिए फॉर्मूला में आ गया, ये 1 by 4 क्या होता है, n यहां पे क्या है, 11, तो ये 11 बना, n into n plus 1 तो 11 plus 1 12 बनेगा, into 2n plus 1 2n plus 1 n के यहां पे 11 रखे तो 2 into 11 22 plus 1 ये बना 23 divide by 6 minus 1 is equal to 5 by 12 a। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहां पे अगर हम LCM ले ले तो अगर हम यहां पे LCM लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, अगर हम यहां पे
एलसीएम ले तो ये मेरे पास 1/4 बच रहा है, इधर आपके पास क्या आ रहा है 11 × 12 × 23 − 6 / 6 = 5/12 ये और ये कैंसिल हो गया, यहां पे 2 बचा। फिर नेक्स्ट इसको भी हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, ये आपका 2 और ये पूरी तरह से कैंसिल। अब यहां पे देखें मेरे पास यहां पे 6 है, 6 कॉमन ले लेते हैं तो 6/2 बचा, यहां से आपके पास 11 × 2 × 23 − 1 = 5a बचेगा। 11 × 2 क्या बनेगा 22 × 23 आपका किसके बराबर होता है 506 के बराबर, और ये इधर कैंसिल तो 3 × 506 − 1 = 5a आपका बना, ये हो जाएगा 3 × 505, ये 5a बना। इसको कैंसिल अगर हम कर दे तो ये 3 × 101 बनेगा, ये कैंसिल होने के बाद = a आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा 303। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी मेरा मैच कर रहा, तो यहाँ पे कुछ नहीं था इस प्रॉब्लम में, बहुत आसान प्रॉब्लम था। एस के फॉर्मूला दिया होता फॉर्मूला लगा दिए, नीचे के था के और के कैंसिल हो गया तो आपका एस के क्या आ गया था k + 1/2। फिर यहां से पुट किए s1 s2 s10 का वैल्यू निकाल लिए, फॉर्मूला लगा दिए, कौन सा फॉर्मूला लगा 1² + 2² + 3² + … फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। इसके बाद सिंप्लीफाई किए तो रिजल्ट आपका आ गया a = 303। तो ये क्वेश्चन आपका 2019 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ये आप देख सकते हैं। ये भी आपका किस पे बेस्ड था, सम स्पेशल सीक्वेंस पे बेस्ड प्रॉब्लम था। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि 2019 12 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस, ये सीरीज दिया हुआ है, ये बराबर है 225 k के, तो k का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन आया था 2019 में। तो सबसे पहले आप सीरीज को थोड़ा ऑब्जर्व करें और इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखने का कोशिश करें। यहाँ पे आपके पास 3/4 होल पे पावर 3 है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 2 + 1, ये आपके पास आ जाएगा 3/2 होल पे पावर 3, इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास आएगा 9 × 4 होल पे पावर 3, फिर ये आपके पास 3 का पावर 3 + यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 × 3 = 12 + 3 = 15 15/4 होल पे पावर 3 + …, ये बढ़ता जा रहा है। अब वो सब निकालना 15 टर्म्स तक, हम यहाँ पे अब एक काम करेंगे, यहाँ पे गौर कीजिए 4 है, फिर यहाँ पे 2, फिर 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, हम सब में डिनोमिनेटर में 4 बनाते हैं, तो डिनोमिनेटर में अगर 4 बनेगा तो हम आराम से डिनोमिनेटर से 4³ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3/4 है, ये ठीक है 3/4 होल क्यूब, यहाँ पे अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6/4 होल पे पावर 3 बनेगा, ये जैसे है वैसे ही रहने दे 4/9/4 होल पे पावर 3, यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा ऊपर 12 नीचे 4 होल पे पावर 3 + 15/4 होल पे पावर 3 + …। अब आप खुद देखें यहां से हम 1/4³ कॉमन ले सकते हैं तो 1/4³ कॉमन, यहां पे भी आप गौर करें ये क्या आ रहा 3, 6, 9, 12, 15, मतलब ये 3 के मल्टीपल में आ रहा है, तो 3 के मल्टीपल में आ रहा है तो 3³ भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास यहां से क्या बचेगा 1, यहां पे आप देख सकते हैं यहां से 3³ कॉमन 4³ कॉमन, तो यहां पे केवल 2 बचेगा तो 2³ आया, यहां पे आपके पास क्या बचेगा 3 कॉमन आ चुका है 4 कॉमन आ चुका है तो 3 बचेगा 3³, उसी तरह से 4³ 5³ + …, अप टू 15 टर्म्स, यहां पे 1 को हम 1³ लिख सकते हैं। अब आप खुद देखें ये फॉर्मूला में आ चुका है, ये कौन सा फॉर्मूला में है 1³ + 2³ + 3³ + …n³, फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1/2² तो ये आपका 3³/4³, यहाँ पे 15 टर्म्स तक जा रहा तो n 15 हुआ, तो 15 × 16 n × n + 1/2 का होल स्क्वायर आ गया, और ये कंप्लीट किसके बराबर है 225 k के, तो ये पूरा 225 k के बराबर है, ये कंप्लीट 225 k के बराबर है, तो ये पूरा किससे इक्वेट होगा 225
k से इक्वेट हुआ। यहां से हमको सिंप्लीफाई करके k का वैल्यू निकालना है। आप देख सकते हैं यहां पे क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास आ रहा है 3³ इंटू 15 स्क्वायर, फिर इंटू 16 स्क्वायर डिवाइड बाय 4³ इंटू 2 स्क्वायर आ रहा है। ये आपके पास 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 के, यहां से 15 अगर हम उड़ाएं तो ये आपके पास क्या बचेगा, 15 इंटू 15 अगर हम कैंसिल करते हैं तो 15 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 225, तो ये आपका पूरा पूरी कैंसिल हो गया। यहां पे आप देखिए 4³ है, इसको अगर हम सही से सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3³। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 स्क्वायर आएगा, इसको हम 4 में चेंज करें तो 14 का पावर 4, ये 4³ इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू k, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 है यहाँ पे भी 4 बचेगा ये भी कैंसिल, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 3³, k इज इक्वल टू 3³, 3³ का मतलब क्या होता है 27, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 ऑप्शन बी है, तो आपके पास ये आंसर हो गया। यहाँ पे बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किए, यहाँ पे मेन कंसेप्ट था कि डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 4 था तो हम सब में डिनोमिनेटर में 4 किए, जैसे ही डिनोमिनेटर में 4 किए ऊपर और नीचे से 3 और 4 कॉमन आ गया, जैसे ही हम 3 और 4 कॉमन निकाले ये सम स्पेशल सीक्वेंस के फॉर्मूला में आ गया 1³ + 2³ + 3³ ।, क्यों 15³, क्योंकि यहाँ पे 15 टर्म्स है। उसके बाद हम इसको इक्वेट कर दिए 225 के से, वहां से हम के का वैल्यू निकाल लिए। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया था, सेम कंसेप्ट पे एक प्रॉब्लम और आया था 2016 में, एकदम यही कंसेप्ट था क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन आप लोग खुद बनाए। क्वेश्चन था आपके पास कि आपके पास एक सीरीज है 1 3/5 होल पे पावर 2 2/5 होल पे पावर 2, फिर 3 1/5 होल पे पावर 2, फिर 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 4/5 होल पे पावर 2, ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू था और ये पूरा बराबर हुआ 16/5 m के बराबर, 16/5 m के बराबर, तो m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू आपको खुद सिंप्लीफाई करके बताना है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, 2016 IIT में ये क्वेश्चन आया है, तो इसका आप खुद से कोशिश करें m का वैल्यू निकालें। m का वैल्यू निकालने के बाद आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। यहां पे इस प्रॉब्लम में ये 15 टर्म्स तक गया था, इस प्रॉब्लम में ये 10 टर्म्स है, यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10, ये याद रखें। ये सीरीज ये पूरा 10 टर्म्स है, यहां पे ये किसके बराबर है 16/5 m के बराबर, तो आपका m का वैल्यू क्या होगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को सीक्वेंस सीरीज क्रैश कोर्स का सेकंड वीडियो ये था, जिसमें मैं आपका जीपी के बारे में डिस्कस किया, सम स्पेशल सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया, किस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है उसके बारे में बताया, और यहां पे कुछ प्रॉब्लम जो कि 2019 में पूछा गया था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, अगर आप लोग इस वीडियो से बेनिफिटेड हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। और लास्ट में हम जाते जाते ये बात जरूर आपको बोलेंगे कि ये क्रैश कोर्स का ही वीडियो है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि सीक्वेंस सीरीज बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको 2 क्लास में ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो अपने कंसर्निंग टीचर का नोट्स आप जरूर देखें, उसको अच्छे से जरूर रिविजन करें, जिससे आपका बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में। थैंक यू वेरी मच।